मनाली के जंगलों में सभी पंछी बग्गो झील से डर कर रहते थे। बग्गो झील पंछियों के अंडे और छोटे बच्चों को खा जाती थी। एक दिन गौरी गांव से दाना लेने गई। बंकू बेटा, तुम अंदर से बाहर नहीं निकलना, जंगल में खतरा बढ़ गया है। मैं थोड़ी देर में दाना लेकर आ जाऊंगी। ठीक है मम्मा, तुम जल्दी आ जाना। जब गौरी वापिस आती है तो देखती है बग्गो बंकू को उठा ले जा रही थी। रुक जा बग्गो, मेरे बेटे को वापिस कर दे, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। बग्गो रुकती नहीं, वह लंबी उड़ान भर लेती है। गौरी भी कहाँ मानने वाली थी, वह बग्गो के पीछे पीछे उड़ने लग जाती है। गौरी बग्गो के साथ मुकाबला करती है, जैसे तैसे करके अपने बेटे बंकू को बग्गो के चंगुल से छुड़ा लेती है। गौरी, आज तुमने अपनी चालाकी के साथ साथ बहादुरी भी दिखा दी। लाड़ो बहन, कब तक हम इस बग्गो झील को अपने बच्चों को ऐसे ही खाने देंगे? हमें मिलकर बग्गो झील का मुकाबला करना होगा। तुम ठीक बोल रही हो गौरी। अगले दिन सारे पंछी मिलकर बग्गो के छोटे बेटे नन्हे चील को उठाकर ले आते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं। सुबह होने पर जब बग्गो घोंसले में देखती है तो नन्हा चील नहीं था। बग्गो को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। बग्गो चील उड़ती हुई पंछियों के पास जाती है तो देखती है नन्हे चील को पंछियों ने बंदी बना रखा था। पंछियों, मेरा बेटा मुझे वापिस कर दो। नहीं बग्गो, आज हम सब पंछी तेरे बेटे को मार खाएंगे। नहीं नहीं गौरी, ऐसा मत करना, मुझे माफ कर दो। पंछियों, मैं आगे से तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अपने बेटे को लेकर दूसरे जंगल चली जाऊंगी। सभी पंछियों की बहादुरी से पंछी चील को भगाने में कामयाब हो जाते हैं। खुशी खुशी मनाली के जंगलों में रहने लगते हैं।